हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को हर्बेरियम के बारे में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बॉटनी पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉटनी में अक्सर प्रैक्टिकल में करवाया जाता है, फाइल बनवाई जाती है हर्बेरियम की, तो वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको हर्बेरियम के बारे में बता देते हैं। हर्बेरियम वर्गीकी में सहायता करने वाला एक साधन है, अथवा कहा जाए तो प्रयोगशाला और प्रयोगशाला के बाहर अध्ययन की गई अर्थात पुनरीक्षित प्रजातियों के नमूनों को पादपालय या हर्बेरियम में सुरक्षित रखा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं हर्बेरियम को? पादप आलय या पादपालय। तो इसका मतलब हुआ कि जो चीजें आपने अध्ययन किया है, चाहे प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला के बाहर, उसके नमूनों को ही हर्बेरियम में रखा जाता है। चलिए अब हर्बेरियम की परिभाषा बता देता हूँ, अथवा इसके अर्थ को समझा देता हूँ। तो पादप प्रदर्शों या पादप प्रदर्श को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लांट स्पेसिमेंस का ऐसा संग्रह है जिसमें पादपों को सुखाकर, भली भांति दबाकर, कागज की सीट पर अवलोकन योग्य रूप में परिरक्षित करके किसी मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है, हर्बेरियम कहलाता है। ये तो हुई हर्बेरियम की परिभाषा। जैसा कि आपको मैं ये फाइल दिखा रहा हूँ, ये हर्बेरियम की फाइल है। इस फाइल को दिखाते हुए आपको एक बार हर्बेरियम की परिभाषा बता देता हूँ, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पादप प्रदर्शों का ऐसा संग्रह अर्थात प्लांट स्पेसिमेंस का ऐसा संग्रह है जिसमें पादपों को सुखाकर, यानी ऐसा संग्रह है ये फाइल जिसमें पादपों को सुखा करके, भली भांति दबाकर, अच्छी तरह से दबा करके, कागज की सीट पर अवलोकन के लिए यानी देखने के लिए परिरक्षित किया गया है, सुरक्षित किया गया है, और वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया गया है इसको, जो आप फाइल देख रहे हैं। इसे ही हर्बेरियम की फाइल या हर्बेरियम कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हर्बेरियम क्या है। जैसा कि ये फाइल आप देख रहे हैं, इसमें पादपों को अच्छी तरह से सुखा करके और अच्छी तरह से दबा करके एक सीट पर रखा गया है, देखने के लिए, अवलोकन के लिए। यही इसकी परिभाषा होती है जो मैंने आपको बताया है। तो हर्बेरियम के नमूने जो होते हैं, हर्बेरियम के नमूने व इनसे संबंधित जानकारियां भविष्य में अध्ययन के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम वनस्पति विज्ञान के छात्रों, शिक्षकों, शोधार्थियों व वर्गीकी विदों के लिए तत्काल सरल, सुलभ व सटीक संदर्भ तंत्र का कार्य करता है। अर्थात इन लोगों के लिए ये अत्यधिक आवश्यक होता है और सरलता से, सुलभता से पूरा अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाती है। आपको बता दें कि पादपों को जिस सीट पर, यानी हर्बेरियम सीट पर लगाया जाता है, उस पर लेबल भी निचले दाहिने कोने पर लगाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, निम्नलिखित सूची अंकित है। पौधे को एकत्र करने की तिथि कौन सी है, नेम ऑफ प्लांट, जैसे कि इसमें फाइल में अलग अलग थोड़ा सा नंबर दिए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पौधे को एकत्र करने की तिथि, पौधे के स्थानीय नाम, यानी पौधे का स्थानीय का नाम क्या है, लोकल नाम क्या है, पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम बताना है, पौधे का कुल यानी फैमिली ऑफ द प्लांट, संग्रहकर्ता का नाम, किसने उसको संग्रह किया है, कौन लाया है, नेम ऑफ कलेक्टर, और स्थान का नाम जहां से पौधा एकत्रित किया गया है, जहां से लिया गया है, तथा कुछ विशेष बिंदु या रिमार्क बताए जाते हैं। तो यहां जो हमने फाइल दिखाया है, इसमें नेम ऑफ प्लांट, फैमिली, स्पेशल फीचर्स, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस, कलेक्टेड बाय यानी किसके द्वारा लिया गया है, तो ये कुछ इसी तरह से पॉइंट दिए रहते हैं। यानी ये सीट पर लगाए जाते हैं और लेबल नीचे दाहिने कोने पर दिया जाता है, जिससे आप उस पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए आप कुछ प्रमुख हर्बेरियम के नाम बता देते हैं। फ्यू मेजर्स हर्बेरियम जहां जहां पर पाए जाते हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। तो इनमें से है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये पेरिस में है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में, हर्बेरियम ऑफ इंग्लैंड बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हर्बेरियम ऑफ
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो ये कुछ प्रमुख हार्बेरियम है जहाँ पर पाए जाते हैं। सभी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में भी हार्बेरियम स्थित होते हैं, अर्थात जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, इन सभी जगहों पर हार्बेरियम उपस्थित होते हैं या होते हैं। चलिए अब आप लोगों को हार्बेरियम की तकनीक बता देते हैं, यानी हार्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है, टेक्निक क्या होती है। तो हार्बेरियम निर्माण में निम्नलिखित पद सम्मिलित होते हैं। पहला है प्रदर्श या नमूनों को एकत्र करना, यानी कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। तो विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न क्षेत्रों अर्थात फील्ड में संपूर्ण पादप विशेष रूप से पुष्प सहित को एकत्र किया जाता है, एकत्र करना होता है। तो ये एकत्र करने के अंतर्गत क्या किया जाता है कि संपूर्ण पादप को पुष्प सहित एकत्र करते हैं। और दूसरा है पादपों को दबाना व सुखाना, यानी प्रेसिंग एंड ड्राइंग ऑफ द प्लांट्स। तो प्रारंभ में अखबार के कागजों में फैला करके, यानी जो अखबार होता है उस पर फैला दिया जाता है, एन यू या डब्लू के रूप में मोड़ करके। जो पेड़ आप लाए हैं, जो पौधा आप लाए हैं, जो पादप लाए हैं, उसे एन या यू अथवा डब्लू के रूप में मोड़कर नियमित रूप से अखबार बदल करके पादपों को दबा कर रखा जाता है। यानी नियमित रूप से आप उसको अखबार चेंज करते रहेंगे, बदल करके आप उसको दबा देंगे, दबाकर रख देंगे। फिर अगला है पादप प्रदर्श का हार्बेरियम सीट पर आरोपण, यानी अब जब हो गई प्रक्रिया तब अब हार्बेरियम की सीट पर कैसे उसका आरोपण करेंगे। तो माउंटिंग ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन ऑन हार्बेरियम सीट, अर्थात मानक आकार 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25 सेंटीमीटर की सीट पर पादप प्रदर्शों को टेप, विशिष्ट गोंद या सुई धागे से आरोपित किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप टेप से भी चिपका सकते हैं, या विशिष्ट प्रकार का गोंद हो गोंद से चिपका सकते हैं, अथवा सुई धागे से भी आरोपित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पादपों को कवक व कीट जैसे पीड़कों से बचाने के लिए, अर्थात कवक या कीटों से बचाने के लिए क्या करते हैं, उनको मर्क्यूरिक क्लोराइड बिलियन या अन्य पीड़क नाशी से उपचारित कर लेते हैं, ताकि ये कवक या कीट न लगे। तो क्या करते हैं कि मर्क्यूरिक क्लोराइड बिलियन अथवा अन्य पीड़क नाशियों से उपचारित कर लिया जाता है। अब अगला है नामांकन यानी लेबलिंग। तो नामांकन में क्या करते हैं, हार्बेरियम सीट पर प्रदर्श के आरोपण के बाद सीट के निचले कोने पर एक लेबल लगाया जाता है जिस पर प्रदर्श संबंधी भी जानकारी अंकित की जाती है। फिर अगला है हार्बेरियम सीट्स का संग्रह यानी स्टोरेज ऑफ द हार्बेरियम सीट्स। तो हार्बेरियम सीट्स अर्थात मोटे अवशोषी कागज की सीट होती है, जो अवशोषित कर ले, जो उसमें जल हो उसको अवशोषित कर ले, सोख ले, ऐसी सीट होती है, को एक लकड़ी या स्टील की अलमारी में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। इन सीट्स को वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। संग्रह स्थल को सीट रखने से पहले विसंक्रमित कर लिया जाता है, अर्थात वो संक्रमण को हटा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है या साफ कर लिया जाता है। चलिए अब आप लोगों को सिग्निफिकेंस ऑफ हार्बेरियम के बारे में बता देते हैं, अर्थात हार्बेरियम का महत्व बता देते हैं, जिसमें से पहला है पादप पहचान हेतु तत्कालिक सुलभ संदर्भ उपलब्ध कराया जाता है। यानी पादप पहचान के लिए तत्कालिक तुरंत सुलभ संदर्भ उपलब्ध कराना। और दूसरा है विद्यार्थियों व शोधार्थियों की अध्ययन शोध में सहायता करना। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायता मिलती है, शोध में सहायता मिलती है। अगला है शोधार्थियों को प्रशिक्षण देना। तो पादप प्रदर्शों के माध्यम से या हार्बेरियम के माध्यम से शोधार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है मोनोग्राफ, मैनुअल व फ्लोरा के प्रकाशन हेतु आधार प्रदान करना। तो इसके द्वारा मोनोग्राफ, मैनुअल व फ्लोरा के प्रकाशन हेतु आधार प्रदान होता है। और अगला है बाउचर स्पेसिमेन का संग्रह करना। और इससे महत्व यह भी है कि बाउचर स्पेसिमेन का संग्रह होता है। बाउचर स्पेसिमेन वह परिरक्षित पादप प्रदर्श है जिसको भविष्य में शोध संदर्भ हेतु संग्रह किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाउचर स्पेसिमेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को हर्बेरियम के बारे में बताया। जो लोग बॉटनी पढ़ते हैं, जो लोग वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, उनके लिए ये वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनको फाइल भी बनाना पड़ता होगा प्रैक्टिकल में। तो मेरा पूरा वीडियो
अच्छी तरह से जरूर देख लें। इसके अलावा मेरे चैनल में बायोलॉजी के बेस्ट टॉपिक वाले लेक्चर के वीडियो अपलोड हैं तथा विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो भी अपलोड हैं, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा है मेरे द्वारा बताई गई पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।